हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ खैर के रहते होंगे, मज़े में होंगे। सो आज के दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग पे जाने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड की हो रही है शादी, और शादी है आउट ऑफ सिटी, सो जा तो नहीं सकेंगे हम, इसलिए हमने प्लान किया कि शादी से पहले यहीं पर ही थोड़ी आउटिंग हो जाए, साथ टाइम स्पेंड कर लें। सो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, और यहाँ मैंने बुरान को अपने साथ रेडी कर लिया है, और जुरैन से छुप छुप के हम रेडी हुए, पर जुरैन हमारा निकलने टाइम पे उठ गई और हमारे पीछे लगने लगी, लेकिन मैंने उसे बातों में बहला लिया। जुरैन मेरी प्यारी सी बेबी है और मेरी बातों में फ़ौरन से आ जाती है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बुरान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि फिर अगर मैं नहीं होती तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता। सो हमने अरीना आने का प्लान किया था, और हम अरीना पहुँच चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का मेरा व्लॉग में ये डबिंग क्यों हो रही है। सो मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो हम दो तो यहाँ पर पहुँच गए थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड पहुँच गई थी, और बाकी दो का हम वेट कर रहे थे। तो वो जैसे आए तो फिर हम लोगों ने अंदर एंटर किया। सो यहाँ पर हम अपनी एंट्री करवा रहे हैं, और अरीना, कराची के लोगों को तो पता ही होगा कि अरीना जो है ना, वो एक गेमिंग जोन है। सो मैं बहुत टाइम पहले आई थी अपने कुछ कुलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ, सो बहुत मज़ा आया था। तो काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, होप के अभी भी बहुत मज़ा आएगा। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉलिंग ट्राई की, तो मेरी फ्रेंड्स को तो आती थी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। मुझे बॉलिंग, मैंने कभी भी बॉलिंग नहीं की थी, फ़र्स्ट टाइम मैं बॉलिंग कर रही थी, और मैं पूरा आगे जाके बॉलिंग कर रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ खड़े होकर बॉल थ्रो करनी है। मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन मैंने बॉलिंग नहीं की थी। सो मेरी फ्रेंड ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की, बट यू नो ऑल कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं आता है। खैर थोड़ा सा सीखेंगे तो आ जाएगा। सो यहाँ मेरे बुरान ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बुरान अकेला होता है ना, तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, लेकिन जुरैन अगर होती है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो और दोनों साथ में होते हैं ना, तो तब भी संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह क्या, बुरान मेरे साथ अकेला आया था, तो जहाँ मैं बैठी थी बस कहीं खामोशी से बैठा हुआ था, और उसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। इसके बाद हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, तो फिर हम कैफ़े में आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे, तो नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। और यहाँ हमारे बुरहान साहब ने मेन्यू ऐसे पकड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बहुत समझ आ रही है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और यहाँ आने के बाद बुरहान की तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई थी, उसका फीवर तेज़ होता जा रहा था। सो फाइनली हमने खाना मंगवा लिया, और खाना आ गया, और फिर बुरहान थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे तंग करने लगा। सो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना खाया, और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने अपने लिए सैंडविच मंगवा लिया था, जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, और फिर उसके बाद चाय तो मस्ट होती है। तो जी सारा टाइम तो हमारा बॉलिंग और कैफ़े में ही निकल गया था, तो पीछे टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो हमने सोचा कि चलें फिर आइस स्केटिंग वाली जगह पे देख लेते हैं, क्योंकि कर तो हम बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। मुझे तो भाई साइकिल भी चलाने नहीं आती है, तो आइस स्केटिंग तो बहुत दूर की बात है। खैर पहले अरीना में बच्चों की इतनी ज़्यादा राइड्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये कि इन्होंने अभी किड्स का भी एरिया बना दिया है, तो ताकि बच्चे भी जो आते हैं वो भी अच्छे से इन्जॉय कर सकें बड़ों के साथ साथ। सो ये आइस स्केटिंग वाला एरिया है, तो हमने जस्ट यहाँ पर सिर्फ देखा ही, क्योंकि हम कर तो बिल्कुल भी नहीं सकते थे। और हमने थोड़ा सा बुरान को दिखाया, और यहाँ बुरान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका फीवर बहुत तेज़ हो रहा था, और हमें लेट भी हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अब बस घर की तरफ निकला जाए। आइस स्केटिंग के बाद हम थोड़ा बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पर ये बच्चों का बाउंस का एरिया और क्लिम वगैरह करने की जगह बनी हुई थी। जब मैं आई थी तो उसको बहुत टाइम हो गया, और अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। सो फिर उसके बाद हमने घर की तरफ रुख किया। होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।